दादा राम राम। राम राम। राम राम साहब, मेरा नाम हरिओम रोहेला है और मैं एक्सेल डेवलपमेंट संस्था से आया हूँ। तो दादा आप आपका परिचय देंगे? आप बिल्कुल सर, आपको परिचय देंगे हम। सर मैं भागीरथ रोहेला, ग्राम चाठा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का एक किसान हूँ। खेती का काम करता हूँ। वैसे योग्यता मेरी बी है। तो दादा आज आप क्या कर रहे हैं? आज सर हम खेती में जो गहरी जुताई का काम कर रहे हैं, जिसे प्लाउ बोलते हैं। प्लाउ से आप गहरी जुताई कर रहे हैं? जी सर। आप गहरी जुताई कर रहे हो तो इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी बताओगे आप हमें? बिल्कुल आप बताएंगे आपको पूरी जानकारी। अच्छा, इसमें प्लाउ करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? तो सर सबसे पहले तो हमें जो खेती करने के लिए, प्लाउ करने के लिए सबसे पहले मतलब एक ट्रैक्टर की जरूरत होती है। तो सबसे प्रथम सामग्री एक ट्रैक्टर चाहिए? बिल्कुल, सबसे प्रथम सामग्री भी ट्रैक्टर चाहिए सर। सर इसके बाद में फिर हमें दूसरी सामग्री चाहिए, पल्टी प्लाउ। प्लाउ चाहिए? जी सर। तो पल्टी प्लाउ चाहिए। तो दादा आप जैसे कि प्लाउ कर रहे हैं आप, हाँ तो इसका समय कह रहे थे आप, प्लाउ कब करना चाहिए? सर ये प्लाउ के लिए समय है, वास्तविक समय मार्च अप्रैल का महीना। मार्च अप्रैल का महीना? हाँ। वो वैसे जैसे कि फसल कटने, गेहूं चने कटने के बाद करने? हाँ, हाँ, मार्च अप्रैल आ ही जाता है उसमें। अच्छा, तब करना चाहिए, गेहूं चने काटने के बाद प्लाउ किया जाता है। तो सर प्लाउ करने के लिए वास्तविक समय वैसे फसल कटने के जो तत्काल है, जो बाद में होती है, उससे फायदा ये है कि ट्रैक्टर का समय भी कम लगता है, जुताई गहरी हो जाती है जहाँ तक जमीन में हो सके, जो नमी होना चाहिए, और फिर उधर लेट होने में जमीन कड़क हो जाती है, गहरी जुताई नहीं हो पाती है। दूसरी बात, जमीन में नमी रहेगी तो उसमें प्लाउ अच्छा लगेगा, खरपतवार पूरा जो नीचे चल जाएगा, जीव जंतु कुछ भी अगर जो है तो वो ऊपर आ जाएंगे, फसल को नुकसान नहीं करवा, जैसे फपूंद अपूंद कुछ भी है तो ये सभी मतलब पर्याप्त गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। जैसे बारिश का जो कम से कम जो एक डेढ़ महीने दो महीने पहले अगर जो प्लाव होता है तो उससे जो तमाम जो कीटाणु फपूंद नाशक सब नष्ट हो जाती है, उससे ये फायदा है प्लाव से। जो मिट्टी उलट जाती है नीचे की ऊपर आ जाती है बाहर, तो उससे कीड़ों मकड़ी ऊपर आ जाता है जो अंदर वाले होते हैं, और गर्मी से वो नष्ट हो जाता है, गर्मी से नष्ट हो जाता है सभी। हाँ तो दादा आप ये आप प्लाव कैसे चलाते हो, थोड़ा हमें खेत में चला के बताइए प्लाव कैसे चलाते हो। बिल्कुल चला के बता देंगे ना सर आपको, करो ये कैसे स्टार्ट। देखिए सर, देख रहा हूँ ये ट्रैक्टर चल रहा है, प्लाव चल रहा है, ये मिट्टी काट के एक साइड निकालते जा रही है, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे कर रही है। तो ये मिट्टी मतलब नीचे से ऊपर आती जाएगी और ऊपर की नीचे उलट पुलट होती है? हाँ सर, जो ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाएगी और नीचे की जो जीवाणु नाशक है वो ऊपर आ जाएगी, इससे मतलब ये जीवाणु टोटल खत्म हो जाएंगे, और खरपतवार जैसे घास चारा का बीज जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा, उससे खाद बनेगा और फसल में जो खरपतवार नहीं होगा तो मतलब फसल का उत्पादन बढ़ेगा। दादा जैसे कि आज आप पल्टी प्लाउ से कर रहे हो प्लाउ? हाँ सर। तो ये पल्टी प्लाउ से करने में कोई फायदा है क्या, क्या फायदा होता है पल्टी प्लाउ से करने में? इससे ये फायदा है सर कि एक तो खेत में नाली नहीं बनती है। अच्छा। और जमीन एक समान हो जाती है, इधर से ट्रैक्टर आया है तो ऊपर जो प्लाउ करके आए अपन उसके ऊपर ही जो मिट्टी डलेगी, वापस उधर से जो ट्रैक्टर मुड़ेगा तो फिर ये पल्टी जो नीचे वाली जो सुपड़ी है ये ऊपर आ जाएगी और ये ऊपर वाली सुपड़ी है नीचे चली जाएगी, इसका काम मतलब ये होगा कि वो वापस उस मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालती हुई चली आएगी, यानी कि उसी नाली में वहाँ पे आप रख के। हाँ, उसी नाली में जो दूसरा टाइम अच्छा लगाना चाहिए है ना। हम प्लाव को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद में जो यह दिख रहा है सामने आपको, यह गियर है, उस गियर से ये
गेंद से इसको पलटी मारेंगे सर। क्या देखिए ऐसे पलटी लग गई, पलटी लगने में ये सुपड़ी जो नीचे वाली है ये वापस इधर से चलेगी इसी नाली में, तो जो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालती हुई चली जाएगी। वापस मोड़ा, मोड़ने के बाद में उसी नाली में जो ट्रैक्टर जा रहा है इससे समय की बहुत बचत है। एक टायर के ऊपर ट्रैक्टर घूम जाता है, मिट्टी के ऊपर चली जा रही है। अजय सर देखना ये जो उधर से जो ट्रैक्टर आया हुआ है उसी नाली। और उसी नाली में जो ट्रैक्टर जा रहा है वो नाली खाली थी, इधर से जा रहा है तो उस नाली में मिट्टी डलती हुई चली जा रही है। क्या इससे यही फायदा है कि मतलब खेत में जो चाहे छोटा हो खेत बड़ा हो उससे खेत में नाली नहीं बनती है, मिट्टी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, बिल्कुल एक समान सम। क्या ये नाली उधर से जो इसमें मिट्टी भराती हुई चली जाएगी। ये इधर की मिट्टी उधर उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, जो इधर की मिट्टी निकलेगी ऊपर वाली जो मिट्टी है ये नीचे चली जाएगी इस नाली में, तो इससे ये खरपतवार जीवाणु कुछ भी मतलब होगा जो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे घुमाते हैं देखना सर, अब ये ट्रैक्टर घूम रहा है उधर मेर पे जाने के बाद में, घुमाने के बाद में वापस पलटी मारेगा तो इसी नाली में जो ट्रैक्टर का टायर आएगा और जो आगे वाली मिट्टी है वो मिट्टी इस नाली में जो ट्रैक्टर वापस जो नाली बना के गया उसी नाली में जो ट्रैक्टर आ रहा है पलटी मारने के बाद में वो मिट्टी ये नाली जो बिल्कुल पैक होकर आ रही है, नाली बराबर हो रही है। मतलब पलटी प्लाव से कि खेत बराबर भी हो जाता, समतल हो जाता है, समतल रहता है बिल्कुल। पलटी प्लाव का यही फायदा है, मतलब खेत में ज़्यादा वो नाली वाली नहीं बनती है। नाली एक बनती है सिर्फ खेत में, जो खेत से ट्रैक्टर बाहर निकलता है पूरा खेत जो प्लाव हो जाता है उसके बाद में लास्ट में एक नाली बनती है। अच्छा, आखिर में बनती है, लास्ट में मेर पे जाके बनती है। मेर पे जाके बनेगा ना, खरपतवार नष्ट हो पाएगा। आगे जो हमारे प्लाव से जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात आगे आपको मैं बताता हूँ कि प्लाउ से हमें सबसे बड़ा फायदा हमारा उत्पादन में होता है, उत्पादन बढ़ता है। बारिश कम होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, बारिश ज़्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अच्छा, तो बारिश कम होगी तो कैसे उत्पादन बढ़ेगा? बारिश कम होगी तो उत्पादन सर जैसे हमारी जुताई हो गई, गहरी जुताई हो गई, कम बारिश हुई तो जो बारिश का पानी गिरेगा वो पानी हमारा खेत से मतलब बहकर के जो बाहर नहीं जा पाएगा, पूरा खेत में ही रहेगा। खेत में पानी रहेगा तो बारिश की कमी होगी तो भी हमारी फसल मतलब में जो वो पानी बाहर नहीं निकलने देगी तो उससे ऊपर उत्पादन बढ़ेगा, नमी बनी रहेगी उसमें। तो दूसरी यदि बारिश फुलपा है निंदाई गुड़ाई इसका समय नहीं मिला तो प्लाउ से होने के बाद में कोई खरपतवार तो उगता नहीं है, तो उससे हमें वो फायदा है कि मतलब में जो ज़्यादा बारिश हो जाए जिस खेत में हमने मतलब जो प्लाउ नहीं किया उस खेत में मतलब घास चारा जो खरपतवार उगेगा। अब बारिश ज़्यादा हो गई तो सारा जो हमको जो डोरा का निंदाई गुड़ाई का समय नहीं मिला तो फसल नष्ट हुई, तो उससे ये भी फायदा हमें ज़्यादा और कम का यही फायदा है। हाँ, यदि आप प्लाउ करोगे तो पूरा खरपतवार नष्ट हो जाएगा। हा? तो निंदाई गुड़ाई की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं, पानी कितना ही गिरो फिर कोई जरूरत ही नहीं, जो निंदाई गुड़ाई की जरूरत ही नहीं है, खेती में आने की मजदूर की सभी की बचत है। हाँ, पानी ने टाइम नहीं दिया, निंदाई गुड़ाई नहीं भी कर पाए तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, नहीं बिल्कुल भी परेशानी नहीं। ये आप पिलाव कर रहे हो, हाँ, तो इस पिलाव को करते समय किसान को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पिलाव करते समय सबसे पहले सावधानी ये रखना है किसान को कि यहाँ से इस मेर से मतलब जो ट्रैक्टर जा रहा है प्लाउ जा रहा है क्या, तो उस मेर पे जाकर के किसान को सबसे बड़ी सावधानी यह है कि जो अपने प्लाउ की पलटी मारना ना भूले। यदि पलटी मारना किसान भूल गया तो बीच में जो जगह खाली जगह छूट जाएगी, जो मिट्टी इधर डलना चाहिए वो मिट्टी उधर डल जाएगी, तो पूरा खेत का जो मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा। मार्च में या अप्रैल का पहला सप्ताह में हमारी फसल कटी, गेहूँ चना की जो भी फसल
फसल कटते से ही तत्काल प्लाउ शुरू करना जरूरी होता है। उसका कारण ये है, अगर जल्दी नहीं की हमने तो ज़मीन की जो नमी है हमारी वो नष्ट हो जाएगी, ज़मीन सूख जाएगी। ज़मीन यदि सूख गई तो प्लाउ से अपनी गहरी जुताई नहीं हो पाएगी। क्या गहरी जुताई नहीं हो पाएगी तो फिर उससे प्लाउ का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। दादा, आपको प्लाउ करने से क्या लाभ है? सर, प्लाउ करने से हमें वैसे फ़ायदा तो बहुत सारे फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा हमारा ये है कि ज़मीन मुलायम हो जाती है प्लाउ से। मुलायम होने के कारण जो हम ज़मीन में फसल, कोई सी भी फसल बोते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में आसानी से मतलब फैल जाती है। और जड़ों में जितनी अधिक से अधिक गांठ बनेगी, नीचे जितनी गांठ बनेगी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जो फल लगेंगे, फल अधिक से अधिक लगेगा तो हमें अधिक से अधिक इसका फ़ायदा होगा। हमें उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। 3 महीने की जो गर्मी खाएगी ज़मीन, गर्मी देखेगी, गर्मी से हमारे जीव जंतु सब जो गर्मी कारण नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होंगे तो हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। प्लाउ की, ट्रैक्टर की, खेती की जो तकनीकी बताई है, इसमें लास्ट में आपको यही बताऊंगा सर कि प्लाउ से कम खर्च में हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। दादा, आप किसान भाइयों को प्लाउ के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ तो सर, मैं अपने क्षेत्र के, देश के समस्त किसान भाइयों को मेरी ओर से यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन की अधिक से अधिक गहरी जुताई करवाएं, प्लाउ करवाएं, जिससे हमारे खरपतवार, जीव जंतु ये सभी नष्ट हो जाए। नष्ट होने से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश के किसान मतलब समग्र और उच्च शिखर पर पहुँच पाएंगे। फफूंद नाशक, जो फफूंद ज़मीन में होती है वो ज़मीन में ऊपर आ जाएगी, ऊपर आएगी। 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले हमारी ज़मीन का प्लाउ हुआ है, उससे गर्मी के कारण हमारी फफूंद, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारी ज़मीन की मतलब में जो गहरी जुताई होगी, ज़मीन मुलायम हो जाएगी। ज़मीन मुलायम होगी तो हमारी फसल का मतलब में जो अधिक से अधिक नीचे जड़ें जाएंगी, अधिक से अधिक गठन बनेगी, गांठ बनेगी। जितनी गांठ अधिक से अधिक बनेगी हमारी फसल उतनी ऊपर बढ़ेगी, उसमें उससे ज़्यादा फल आएंगे। क्या फल आएंगे तो हम किसान भाइयों का अधिक से अधिक फायदा होगा। लागत कम होगी, लागत कम लगेगी। जो हम बारिश के टाइम पे मजदूर लगाते हैं, वो मजदूरी की हमारी मतलब राशि जो बचत होगी, तो जैसे अगर बारिश कम हुई तो बारिश कम होगी तो भी हमको फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ऐसा होगा कि जो ज़मीन का ऊपर वाला जो पानी, बारिश का जो पानी गिरेगा, वो पानी हमारा खेत से बाहर निकल के नहीं जा पाएगा। वो खेत का पानी खेत में रह जाएगा, खेत का पानी खेत में रहेगा तो हमारी ज़मीन में जो नमी बनी रहेगी। 1 महीने पहले जो बारिश हो गई और उसके बाद में फसल कटने तक 1 महीने का बीच का गैप है, उसमें जो प्लाउ हमारा हुआ है तो ज़मीन में प्लाउ से जो नमी रहेगी, पानी बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी फसल मतलब में जो वैसी जो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। फली का टाइम हमें पानी की ज़रूरत होती है, हमने प्लाउ कर दिया है तो हमारी ज़मीन में जो नमी है वो फली को जो पर्याप्त जो दाना बना के तैयार कर देगी। दूसरी बात, यदि बारिश ज़्यादा हो गई, हमने प्लाउ नहीं किया तो हमारा खरपतवार उगेगा। इधर तो हमारा खरपतवार उगा और बारिश मतलब लगातार हो रही है तो हमको कुलपा की, डोरा की और मजदूर का टाइम नहीं मिला तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हमने प्लाउ कर दिया, बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो हमें मतलब मजदूर की, कुलपा, डोरा की कोई आवश्यकता ही नहीं रही है हमें। तो हमें अधिक से अधिक मतलब सर, हमें जो प्लाउ से किसान को डेढ़ा से दुगना मतलब में जो 50% से ऊपर जो हमारा फायदा ही होता है। क्या तो मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के समस्त किसानों को सूचना देना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन का अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए, खेती को फायदा का सौदा बनाने के लिए, क्या अपनी ज़मीन की अधिक से अधिक गहरी जुताई करवाएं, प्लाउ करवाएं। मैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा।
दादा आपने हमें ये गहरी जुताई के बारे में, प्लाव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार सर। जय राम।